नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। और जिस तरीके से आज झारखंड के चुनावी रिजल्ट आ रहे हैं, चुनावी परिणाम आ रहे हैं, और रुझान को देखकर के जिस तरीके से तमाम आकलन लगाए जा रहे हैं, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर जाती जा रही है। हालांकि परिणाम आने में थोड़ी सी देरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और भी है कि जिस तरीके से एक दौर था, यानी कि 71% भारतीय जो चुनावी क्षेत्र है पूरे भारत का, उसमें 71% क्षेत्र पर, यानी कि ज़्यादातर राज्यों में, कुल मिलाकर 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, लेकिन अब वो काफ़ी कमतर होती जा रही है। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। कुल मिलाकर के स्थितियां धीरे धीरे यहां तक आ पहुंची है कि आज 2019 में जिस तरीके से आज झारखंड का चुनावी परिणाम आ रहा है, उसके बाद से एक और राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जाने की तैयारी में है। हालांकि स्थितियां स्पष्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन यकीन मानिएगा जिस तरीके से फ्लक्चुएशन लगातार डेटा में हो रहा है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी आगे निकल चुका है, या यूँ कहें कि महागठबंधन की सरकार लगभग तय मानी जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात एक और भी है कि केवल झारखंड ही नहीं, उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, खासतौर पर हाल ही में जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए और वहाँ के परिणाम में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के वहाँ पर उभरी, लेकिन शिवसेना के दूर जाने के बाद से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। और स्थितियाँ यहाँ तक आ पहुँची कि 2014 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता मिली, उस वक्त बीजेपी की महज 7 राज्यों में सरकार थी और 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार गठबंधन में थी, यानी कुल मिलाकर के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में बीजेपी की अपने दम पर सरकारें चल रही थी, जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में वो गठबंधन में थी। वही कांग्रेस 13 राज्यों में थी, लेकिन मार्च 2018 आते आते बीजेपी और उसके गठबंधन सरकार वाले राज्यों में संख्या 21 तक पहुंच गई, और अब हालात धीरे धीरे वापस बीजेपी के खिलाफ जाते हुए। कुल मिलाकर के सबसे पहली बात ये भी है कि 2014 के बाद से तमाम जो चुनाव हुए, उसमें पीएम मोदी ने एक नारा दिया, डबल इंजन की सरकार, यानी कि राज्यों में जो सफलता का कुल मिलाकर के जो नारा दिया गया उस दौर में, डबल इंजन की सरकार, यानी कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ पर पीएम मोदी की रैलियों में अक्सर ये नारा दिया जाता, और वहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के फेवर में की जाती रही। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अवधेश भार्गव साहब जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं मध्य प्रदेश से। भार्गव साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। नमस्कार भार्गव साहब, सबसे बड़ी बात जिस तरीके का आज झारखंड का चुनावी परिणाम है, और एक विश्लेषण पर अगर गौर किया जाए तो 2014 से 2019 और 21 राज्यों में सत्ता पर काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, अब चुनावी नक्शा अगर देखा जाए तो वहां से कुल मिलाकर के ग्राफ गिरता जा रहा है, कारण क्या मानते हैं? देखिए, झारखंड में उनकी अपनी समस्याएं हैं। दूसरी बार मोदी जी का ये जो नारा था कि डबल इंजन की सरकार है, यानी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है। जहां तक झारखंड का सवाल है, वहां शिबू सोरेन को बिल्कुल भगवान के तुल्य मानते हैं आदिवासी लोग, और वहां जोर जोर करके सरकार किसी तरीके से अगर बीजेपी बना भी लेती, पर वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ये सीएए का मामला इसने और नुकसान पहुंचाया, और वहां सोरेन की छवि, हेमंत ने उसको मेंटेन रखा है, शिबू सोरेन के लड़के ने जी। तो आज लोगों ने, आदिवासियों ने अपनी बिरादरी पर ही भरोसा जताया है। उनको सबसे ज्यादा नाराजगी वहां अमित शाह से थी। अमित शाह को झारखंड के लोग नहीं पसंद करते या पश्चिम बंगाल के लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि मोटा भाई की बात अलग है, छोटे भाई की नाराजगी इस चुनाव में देखने को मिली। नहीं, लेकिन भार्गव साहब, एक सबसे बड़ी बात क्या इस जरिए ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि रघुवर दास की जगह अगर कोई और चेहरा चुनावी मैदान में लेकर के आया जाता तो शायद स्थिति या पक्ष में बन सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल उलट होती, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो हर जगह लागू होती है। रघुवर दास से लोग नाराज थे क्योंकि वो सीएम थे, और रघुवर दास को अगर बदल दिया जाता तो हो सकता है और बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी कि वहां पर बीजेपी को इससे ज्यादा सीटें मिलती। आज जो 21-22 सीटें मिल रही, इससे ज्यादा सीटें मिलती। एक चीज और भी है भार्गव साहब, क्या आजसू और भारतीय जनता पार्टी अगर मिलकर के चुनाव लड़ते, क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस था अकेले चुनाव लड़ने का, और आजसू और बीजेपी की राहें चुनावी मैदान में अलग अलग हो गई? हालांकि पार्टियां गठबंधन से अलग नहीं हुई है, लेकिन दोनों की चुनावी राहें चुनावी मैदान में अलग रही, तो ये भी नुकसान का सौदा रहा? नहीं, ये तो नुकसान की वजह है ही। आप देखें बिहार में क्या हुआ,
जी इनके सीए के मामले में नीतीश कुमार अलग हो गए, शिवसेना का महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसी तरीके से झारखंड में भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। इनको ये था कि अब तो हमारे पास 300 से ज्यादा सीटें लोकसभा में हैं, तो यहाँ भी हमारी सीटें आएंगी, और इनको ओवर कॉन्फिडेंस आगे भी नुकसान देगा। ओवर कॉन्फिडेंस में जी जी लेकिन नहीं हाँ, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में है, और ओवर कॉन्फिडेंस इनको आगे भी चल के नुकसान देगा। और प्रदेशों में भी अभी उपचुनाव होना है, मध्य प्रदेश में भी एक सीट कांग्रेस की खाली हो गई है, तो इस तरीके से इनको हर जगह इनको ओवर कॉन्फिडेंस इनको नुकसान देगा। नहीं लेकिन उपचुनाव में तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकार उस संबंधित राज्य में है वहाँ पर तर्क विपक्ष का ये रहता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ही उपचुनाव अक्सर जीता करती है। लेकिन दूसरी बात एक मैं जानना चाह रहा था, जो राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र लगातार किया जा रहा है झारखंड में, स्थानीय मुद्दों की बजाय जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों को बीजेपी ने तरजीह दी, 370 हो, राम मंदिर हो, NRC हो, इन तमाम मुद्दों पर क्या उस आदिवासी राज्य में जहां पर आप भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आते हैं तो वहां पर आपका विरोध जबरदस्त किया जाता है, क्या आप अंदर का ने वो पेट नहीं बना पाए, या क्यों राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे आप वोटों के डाइवर्जन के आसार देखते रहे? यही तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये सोचते हैं कि हमने जो राष्ट्रीय एजेंडा दिया है वही मुद्दे लोग पसंद करेंगे। स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, तहसीलों के मुद्दे अलग होते हैं, जनपदों के जिलों के मुद्दे अलग होते हैं, ये नहीं समझ पाए। भूमि अधिग्रहण कानून भी इनको नुकसान दे गया, तो अगर ये वहाँ लोकल मुद्दे लेते या लोकल एजेंडा देते तो इनको कुछ ज्यादा सीटें मिल सकती थी और सरकार भी बन सकती थी। यानी कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस भरोसे में रहा कि शायद राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के चुनावी वैतरणी पार किया जा सकता है। एक भार्गव साहब, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या एक मेरा सवाल अक्सर दिमाग में यह भी आ रहा है, क्या जो सेकंड लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड लाइन जो है वो क्या राज्यों में जाकर के अपनी पेट नहीं बना पा रही है, या सेकेंड लाइन डिसीजन मेकिंग नहीं है जो आखिर उन, क्योंकि पीएम मोदी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी है, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है, तो क्या सेकंड लाइन को तैयार होने ही नहीं दिया गया ताकि राज्यों में इस प्रकार चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं प्रभावी बनाया जा सके? बस है ही नहीं। जेटली जी की थोड़ा बहुत चलती थी, आज वो दुनिया में नहीं है। सुषमा स्वराज की थोड़ा बहुत चलती थी, आज वो दुनिया में नहीं है। आज राजनाथ जी खुद बीमार पड़े हुए हैं, राजनाथ जी की भी नहीं चल पा रही है, और जितने भी पुराने नेता थे उनको हाशिए पर लगा दिया गया। तो सेकेंड लाइन को तो इन्होंने पनपने ही नहीं दिया है, ये इनको इन्होंने कहा था गुजरात पैटर्न, तो ये गुजरात पैटर्न अगर ये केंद्र में भी चला रहे हैं तो आगे चल के भी इनके लिए ये अच्छी अच्छे लक्षण नहीं है। आगे चल करके इनको खतरे की घंटी भापना चाहिए और देखना चाहिए, और सेकेंड लाइन को हर हालत में तैयार करना चाहिए। चलिए मैं आपके पास लौट के आऊंगा भार्गव साहब। मेरे साथ दिलीप यशवर्धन साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं उत्तर प्रदेश से, साथ ही सुरेश जोशी बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सुरेश जोशी साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, जिस तरीके से झारखंड के परिणाम हैं और कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र का भी जिक्र लगातार करना बनता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत विश्वसनीय सहयोगी भारतीय जनता पार्टी दूर जा चुकी है और कहीं ना कहीं आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, तो क्या स्थितियां जिस तरीके से आप 21 राज्यों पर काबिज हुआ करते थे और आज 2019 का दौर भी है, चुनावी ग्राफ जो है लगातार गिरता जा रहा है, किस तरीके से आप देख पाएंगे इस चुनावी ग्राफ को? नहीं राकेश जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अभी झारखंड का जो एकदम क्लियर चीजें तो भी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी आप के चैनल भी जो दिखा रहे हैं आगे पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय दृष्टि से अगर इस बात को देखेंगे जी, तो अभी भी जो राष्ट्रीय की एक मुख्य पार्टी है वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी नहीं है। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या देखेंगे, वोट प्रतिशत देखेंगे, तो वहां पर जो है कि वो पार्टी आपको कहीं दूर दूर तक भी खड़ी नजर नहीं आएगी। आपने महाराष्ट्र के विषय की बात की, देखिए महाराष्ट्र में तो जिस तरह की सफलता हमको मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पर लड़ी और जितनी सीटें उसने प्राप्त की हैं, अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो वो 70-72% के आसपास का निकलेगा जी।
लेकिन जिस दल के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जो हमारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, अब वही दल पार्टी को छोड़ के चले जाता है। मैं वहीं आ रहा था जोशी साहब, मैं वहीं आ रहा था। मैं स्वीकार करता हूं आप सबसे बड़ी बात जो आंकड़ा आपने दिया है, बीजेपी झारखंड में भी अगर चुनावी रिजल्ट थोड़ी देर बाद में क्लियर होंगे तो जिस तरीके का आंकड़ों में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आंकड़ों में लगातार फ्लक्चुएशन चल रहा है, उसके मुताबिक अगर उन पर थोड़ा सा भी विश्वास किया जाए रिजल्ट आने तक, तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आप आगे हैं, महाराष्ट्र में भी आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके सामने आए। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने सहयोगियों को बरकरार नहीं रख पा रही है? क्या महाराष्ट्र में जो हुआ शिवसेना आपसे दूर चली गई, यहाँ पर आजसू के साथ में आप मिलकर के चुनावी मैदान में नहीं उतर पाए, तो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के हाथों से ही फिसल रही है ना, किसी और के हाथों से थोड़ी फिसल रही है? नहीं, आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, चाहे बिहार में हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं वहाँ देख लीजिए, हरियाणा में आज हम कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए, केंद्र में भी हम लोगों के सहयोगी दलों के साथ हमारी अपनी पूरी मेजोरिटी होने के बाद भी हम सरकार चला रहे हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कभी भी अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बिछोड़ने का या अपने का साथ छोड़ने का कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया। लेकिन एक समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, मुझे लगता है कि जो हमारे ही सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं मुझे लगता है बढ़ गई, या उन दलों को ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ से अगर हम बिछड़ेंगे तो हमको लाभ होगा। अपना लाभ और हानि उन दलों ने देखी, हमने नहीं देखा। अगर हमने अपनी लाभ हानि देखी होती, अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी हमने अपने सहयोगी दल को जितनी सीटें देनी चाहिए थी उतनी सीटें दी, अब उनकी उस मात्रा में वो सीट भी नहीं जीत पाए। ऐसे ही जो है कि अन्य राज्यों में भी जो है कि हम लोगों ने, चाहे वो बिहार में भी आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, अन्य राज्यों का लोकसभा का चुनाव देखा होगा, इन सभी में जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी ऐसी स्थिति और परिस्थिति नहीं आई कि जिससे इस तरह के विषय का या इस तरह का आरोप हमारे ऊपर कहीं लगाया जा सकता है दूर दूर तक। अब जहां तक देखिए झारखंड का प्रश्न है, झारखंड के नतीजे अभी आ रहे हैं जी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और जो लोग झारखंड का, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग काम देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा भी करेंगे, क्या परिस्थितियां रही, क्या स्थितियां रही। जैसे अभी आप ही के विश्लेषण में एक विषय आ रहा था कि हम लोगों ने जो है कि राष्ट्रीय मुद्दों को लिया, स्थानीय मुद्दे क्या थे क्या नहीं थे, सब विषय जो है वो आएंगे सामने। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ, आज भी इस देश की जनता और इस देश के लोग जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हैं, उनके कार्यक्रमों पर विश्वास करते हैं। ठीक है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हम झारखंड में थोड़ा पीछे रह गए या महाराष्ट्र में किन्हीं कारणों से हमारी सरकार नहीं बनी, तो इसका अर्थ ये नहीं निकाला जा सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम या हमारी जो केंद्र की सरकार चल रही है उसकी नीतियों से लोग खपा है, ये मैं नहीं मानता। चलिए मैं लौट के आऊंगा आपके पास, आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल भी है जो इस चर्चा के दौरान मेरे मन में आया। लेकिन उससे पहले दिलीप यशवर्धन साहब का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश से। यशवर्धन साहब, सबसे पहले तो सुरेश जोशी साहब की बात भी आपने सुनी और अवधेश भार्गव साहब की बात भी आपने सुनी होगी, ये जो आंकड़ा है जो कुल मिला के झारखंड चुनाव का, हालांकि बार बार जिक्र यही किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से जिनसे मेरे अभी तक बातचीत हुई सुबह से लेकर अब तक, तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी अगर आंकड़ों में फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं आता है तो, सबसे पहली बात। लेकिन ये 2019 आते आते देखिएगा आप उस राजनीतिक नक्शे को इमेजिन करिए जो अक्सर मीडिया में छाया रहता है, वहां पर भगवा रंग से जो लकीरें दिखाई गई हैं, यानी कि 21 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, लेकिन हिंदी पट्टी का जिक्र भी आप इसमें कर सकते हैं, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और अब धीरे धीरे आपका जो राज्यों का जनाधार है वो कहीं ना कहीं सरकारें बदलने के साथ क्या कम हो रहा है? क्या बीजेपी के साथ चुनौतियां लगातार बन रही है? एक तो वो सहयोगियों को बरकरार नहीं रख पा रही है, दूसरी बात जनाधार आपका उन राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें थी वहां आप सत्ता से बाहर होते जा रहे हैं, कारण क्या मानते हैं आप? देखिए सुरेश जोशी जी अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो ये नहीं मान रहे हैं कि भारत की जनता मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है जी। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, भारत की जो जनता है वो अभी भी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है और इस बात को मानती है कि जिस तरह के डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के रजीम में, मोदी जी और शाह जी के रजीम में लिए जा रहे हैं, इस तरह के डिसीजन पहले कभी नहीं लिए गए। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको कैच करा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया और जनता ने उसको एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें फर्क होता है, लेकिन जो आम जनता है,
आम जनता इन राष्ट्रीय मुद्दों को ना तो बहुत ज्यादा समझ पाती है और ना समझना चाहती है। हमारे लिए उसके अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, महंगाई है, ये चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर मैं कॉमन जनता की बात करूं तो मेरी बाउंड्रीज कितनी सेफ है, कितनी सेफ नहीं है, ये भी आने से मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा, ये मेरी समझ के परे आम जनता की बात कर रहा हूं। मुझे इस बात से ज्यादा मतलब है कि सरकार मुझे कितनी अच्छी फैसिलिटीज मुहैया करा रही है। जो जहां जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के जो लोकल मुद्दे हैं, जैसे झारखंड जो नक्सलाइट एरिया है, वहां पर मुझे कितनी सेफ्टी मिल रही है, ये चीजें वहां पर लोकल चुनाव में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने डिसीजन लिए हैं, वो अनडाउटली बहुत अच्छे हैं और देशहित में, और इन मुद्दों का फायदा आज आम जनता को नजर नहीं आएगा और न समझ में आएगा, लेकिन ये आने वाले 10-15 सालों में यही मुद्दे, यही डिसीजन आपके देश को बहुत अच्छा आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन मुझे तो अपनी आज की जरूरतों से मतलब है ना। आज अगर महंगाई बढ़ रही है तो एक गरीब आदमी के लिए आज ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे किसी चीज के 2 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मुझे 2.5 रुपए देने पड़ रहे हैं और मेरी कमाई नहीं बढ़ रही। आपने देखा कि जीडीपी डाउन जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिक्विडिटी कम हो रही है, आम जनता परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो मैं उन चीजों से ज्यादा अफेक्ट होता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर सोच रही है, देश के लिए फ्यूचर सोच रही है, ये अच्छी बात है और इनका फायदा मिलेगा, लेकिन एक आम जनता की नजर से, एक आम जनता की जरूरतों को भी समझना भारतीय जनता पार्टी आम जरूरतों को ले लेकर भी कोई काम करने होंगे। चलिए यशवर्धन साहब आपके पास लौट करके आऊंगा। मेरे साथ मथुरा दत्त जोशी साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जोशी साहब स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले तो कुल मिला के स्थितियां जो मुद्दे वाली बात है, आज का जो मुद्दा है जोशी साहब वो यही है। बीजेपी के मेरे मित्र सुरेश जोशी साहब मेरे साथ फोनलाइन पर है, साथ ही दो राजनीतिक विश्लेषक हैं दिलीप यशवर्धन साहब और अवधेश भार्गव साहब, दोनों फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 21 राज्यों की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का चुनावी ग्राफ आखिर कम क्यों हुआ, कारण क्या रहे? एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि विपक्ष साफ तौर पर यह कहता है कि मोदी और अमित शाह का तिलिस्म अब टूटने लगा है। दूसरी बात यह भी है कि एक आंकलन यह भी लगाया जा रहा है कि राज्यों की चुनावी राजनीति में अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के जाएंगे, खासतौर पर झारखंड का जिक्र कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है। वहां पर आपको लोगों को जमीनी भौगोलिक जरूरतों को और ध्यान देना होगा। आप एनआरसी 370 या राम मंदिर के मुद्दे पर वहां चुनावी मैदान में खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या यही कारण है ये चुनावी ग्राफ कम होने का? देखिए, कई और कारण भी हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था कि हम क्या क्या काम इस देश में करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे, तो आपने देखा होगा कि 2019 का चुनाव इन्होंने बिल्कुल ही अलग मुद्दों को लेकर, जो असली मुद्दे थे उनसे हटकर चुनाव लड़ा, उन मुद्दों के आधार पर कहीं पर भी वोट नहीं मांगी। और आज जो आम जनता की जरूरत है उसको पूरा करने की आवश्यकता थी। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आप देख लीजिए कि महंगाई का इंडेक्स कितनी तेजी से बढ़ा है, 2014 से 2019 के बीच में देख लीजिए, कहीं पर भी महंगाई कम नहीं हुई और वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। और महंगाई का आलम ये रहा कि आज सबसे हाईएस्ट इंडेक्स आपका महंगाई का चला गया। आप बेरोजगारी में देख लीजिए, इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के तो दूर रहा। मेरा अपना अनुमान है, जो मैंने जो देखा है या पढ़ा है, जो तमाम सर्वे आते हैं उनके आधार पर मैं अपने उससे ये कह सकता हूँ कि 10 करोड़ लोगों को इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार करने का काम किया है। नोटबंदी की आप देख ले, लोग बाग लाइन में लगे अपने ही पैसे को निकालने के लिए, लोग मर गए, उनको उनको मौत के घाट उतरना पड़ा। जीएसटी, आप जो पैसा जिस तरह का कलेक्शन उससे पहले होता था, जीएसटी लागू होने से पहले जो राजस्व की प्राप्ति होती थी उसमें 14-15% की हमारी गिरावट आ गई, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं, राज्यों में भी लड़ सकते हैं, लेकिन राज्यों के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। राज्य में स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहते हैं, उनको स्थानीय आधार पर आप जरूर, अगर उनको सुविधाएं नहीं देंगे तो आपको नुकसान होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है अपराध का ग्राफ बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और आप देख ले महंगाई में काबू करने में सारी सरकारें विफल रही है। उसका कारण है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राज्यों में भी हुआ है और आने वाले समय में भी होगा। लेकिन आप कितना झूठ बोलोगे
कितना जनता को आप बेवकूफ बनाओगे वो जनता देश की जनता। लेकिन लेकिन जोशी साहब, सुरेश जोशी जी लाइन पर मौजूद है, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता हैं, राष्ट्रीय जो नेता हैं, उनका कहना, एक बयान उनका अक्सर आता है कि अगर हम राम मंदिर पर काम नहीं करते हैं तो कांग्रेस एक व्यंगात्मक लहजे में पूछती है कि राम मंदिर का क्या हुआ, हम 370 पर अगर हम काम नहीं करते तो कांग्रेस लगातार व्यंगात्मक लहजे में पूछती है कि 370 का क्या हुआ। अब जब हमने हटा दी है, हमने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस देश की जो समस्याएँ हैं, राष्ट्रीय समस्याएँ जो सालों से, खासतौर पर 70 साल का जिक्र किया जाता है, अब वो धीरे धीरे हटने लगी है, तो ऑब्जेक्शन कांग्रेस को उससे भी है? नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने, इन्होंने 370 हटाई, हमने कहा था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन है। ये राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, हम तो कहते रहे आप बनाइए ना, क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उनके उनके राष्ट्र उनके घोषणा पत्र में है, हम 370 हटाएंगे। उन्होंने जनता से वायदा किया है, वो अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। फैसला तो जनता ने करना है कि वो जब चुनाव आएंगे तब जनता अपने हिसाब से फैसला करेगी, निश्चित रूप से करेगी जनता फैसला। राम मंदिर ताला खुलवाने का काम तो कांग्रेस ने किया था, ठीक है मंदिर नहीं बना पाए, कई कारण रहे होंगे, लेकिन ताला भी तो कांग्रेस ने खुलवाया, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। ठीक है, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राम का नाम लेकर उस नाम को भी बेचने का काम इन्होंने किया, राम को टाट की पट्टी में खड़ा करने का काम इन्होंने कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन उसका खामियाजा भी ये भुगते। अगर ये मंदिर बना रहे तो हमने तो कहा ठीक है बनाइए ना, आप समय रहते बनाइए, आप कोर्ट ने निर्णय दिया, आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर रही है बहुत से मामलों में, ये अपना क्या कर रहे हैं। आज भी अगर ये कई मुद्दे अगर ये लाए हैं तो उसमें भी तो कोर्ट का कहीं कहीं हस्तक्षेप है, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने जब आदेश किया तब ये कुछ कर पाए हैं, और ये नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कुछ नहीं, आप इफ एंड बट नहीं लगा सकते हो कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जनता का विश्वास कम हो रहा है, जनता का विश्वास उखड़ रहा है, और जनता इनके इनकी जुमलेबाजी। जोशी साहब से जवाब ले लेते हैं, आपके जो तमाम जो वक्तव्य आपका रहा है सुरेश जोशी साहब से। जोशी साहब, मथुरा दत्त जोशी साहब ने तो बड़ा लंबा चौड़ा कहा है, और कुल मिलाकर के स्पष्टता उसका आंकलन यही निकल कर आ रहा है कि तिलिस्म टूटने लगा है, इस चीज को कब स्वीकार करेंगे आप? ताकि जी ऐसा है, देखो पहली बात तो मैं बताऊं कि आप तो झारखंड चुनाव और इस परिपेक्ष में बहस कर रहे थे, जोशी जी भाषण दे रहे थे ना, सवाल तो वो भाषण चल रहा था। देखो मैं दो तीन चीजें इसमें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पहले तो जैसे आपने ग्राफिक का हवाला दिया कि 2014 का क्या था, 2019 का क्या है, क्योंकि बहुत चैनल से ग्राफिक दिखाई भी कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश में आधी हो गई है या 70% कम हो गई या 40% कम हो गई। मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में आज अगर एग्जाम्पली कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर हमारे 5-6 विधायक कम हैं कांग्रेस से आज भी जी। तो जनता ने 110-115 विधायक अगर हमको दिए हैं तो 115 विधायक उनको दिए हैं। अब आप जो ग्राफिक दिखाते हैं वो दिखाते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस छा गया, उसी तरह से अब आप अगर अभी झारखंड का दिखाएंगे ग्राफिक तो उसमें ये दिखाएंगे कि जो 26 सीटों में जो जनमत बीजेपी को मिला है उसका कोई जिक्र नहीं होगा 26-28-30 सीटों का, और 16 विधायक वाली पार्टी का जिक्र हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो ऐसा नहीं है, वास्तविकता आज भी ऐसी नहीं है कि जो कांग्रेस के मित्रों को के लिए आज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं है जी। क्योंकि देश की जनता का जो मैंडेट है वो हमने स्वीकार किया है, चाहे वो झारखंड में होगा, चाहे महाराष्ट्र में होगा, चाहे अन्य राज्य में होगा। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई जिन मुद्दों पर हम लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था जी, उन मुद्दों पर हम तो बड़े ना घटे तो नहीं जी। और 5 साल में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति हुई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी चुनाव हार गए, उनको चुनाव जीतने के लिए कहां जाना पड़ा, ये सब आपने आपके सामने है। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि भाई जिस महंगाई की आज वो बात कर रहे हैं, जिस बेरोजगारी की आज वो बात कर रहे हैं, जो देश की कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, मैं उन मित्रों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले क्या स्थितियां क्या परिस्थितियां थी और आज क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, और जिन राज्यों में आप सरकार चला रहे हैं आप हमसे झूठ बोलने की बात कहते हो। लेकिन कांग्रेस का तो सीधा सा आरोप ये भी है, कांग्रेस का तो सीधा सा आरोप ये भी है कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं, GST, इन सबसे ध्यान डाइवर्ट करने, आज प्याज 100 रुपए किलो हो रहा है, इन सबसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी जानबूझकर संसद के सत्र में से बिल लेकर आती है ताकि जानबूझकर के माहौल खराब हो और कहीं के लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो, कांग्रेस का सीधा आरोप है।
बहुत संक्षिप्त में आपको जवाब दे दूं। पहली बात तो ये जी, है बिल्कुल बिल्कुल कि 2014 से पहले जिसको महंगाई कहते हैं, महंगाई होती है दाल रोटी, महंगाई होती है कपड़ा और मकान। जिसको महंगाई से या बेरोजगारी से या गरीबी से आप जोड़ सकते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 से पहले कभी आपने जो इंदिरा आवास योजना चलाई थी, क्या उस इंदिरा आवास योजना में 5 करोड़ 7 करोड़ लोगों को घर देने की कभी कल्पना की थी क्या? क्या 2014 से पहले आपने जो है कि दालों के रेट को नियंत्रण करने की बात 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए में की थी क्या? क्या 2014 से पहले 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो गेहूं की जो स्वास्थ्य योजना थी, खाद्य योजना थी, उसको प्रारंभ करने की बात की थी क्या? क्या प्रत्येक गरीब परिवार को आयुष्मान भारत से जोड़ करके उसके स्वास्थ्य के लिए जो है कि स्वास्थ्य लाभ की योजना के बारे में सोचा था क्या? तो ये कहना बहुत सरल है। देखो, प्याज की कीमतें बढ़ सकती है, टमाटर की कीमतें बढ़ सकती है, ये तो टेम्परेरी फेस होता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का फेस होता है। प्याज और टमाटर को मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। मुद्दे तो जो है देश के वो है, देश की गरीबी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। देखो, टाइप ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो 3 तरह का, एक सरकारी क्षेत्र का, एक प्राइवेट क्षेत्र का, एक स्वतः वाला अपना स्वरोजगार है। स्वरोजगार के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं देश के अंदर चलाई है, क्या 2014 से पहले ये योजनाएं चली थी क्या? इसलिए कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। आज जो 370 की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो 370 का विरोध नहीं किया। राज्यसभा और लोकसभा में क्या कर रहे थे भैया आप लोग? एनआरसी में अभी आइए, एनआरसी की जब पहले बात आई थी आसाम में तो तब आप लोग क्या कर रहे थे? अभी सीएए की बात आई तो तब आप लोग क्या कर रहे थे? जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो आपके ही लोग कपिल सिब्बल जी क्या बयान दे रहे थे? और ये सारी बातें जो है, देखो कहने और करने में अंतर होता है। ये देश की जनता बहुत अच्छी तरह देख रही है, इसलिए जो है कि इस विषय को ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि आपको लोग पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, आपकी नीतियां, आपकी आइडियोलॉजी सब लोग जानते हैं। आज अगर जो है कि हमने सीए बिल पास किया तो उसमें जो कि सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी कहते जी हम तो राजघाट पर धरना देंगे, धरने पर बैठेंगे, बिल ही पास नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें क्या देश की जनता इनकी देख नहीं रही क्या? जोशी साहब, मथुरा दत्त जोशी साहब, सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण मेरे मित्र सुरेश जोशी जी ने दिया। विद्वान आदमी है, वैसे ही विद्वान है। हमारे यहाँ तो पहाड़ में कहा जाता है कि कुछ विद्वान लोग जो होते हैं वो अपनी भाषा में, अपनी शैली में उसका जवाब देते हैं। बहुत अच्छा डिफेंड किया इन्होंने अपनी पार्टी को, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी महंगाई की बात आ रही थी, क्या मैं जो बात कह रहा हूँ राकेश जी, आप देखे कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज महंगाई क्या सबसे बड़े हाईएस्ट इंडेक्स में है कि नहीं है? 45 साल में बेरोजगारी सबसे बड़े स्केल पे चलेगी, सबसे आगे। जरा मैं जवाब में आऊंगा, मेरी छोटी सी बात ये है, आप जिस तरीके से सीएबी के विरोध में सड़कों पर उतरे तो वो आम जनता आपसे भी सवाल करती है ना। आप उस महंगाई को लेकर के जिस तरीके से भीड़ आपने जुटाई, उस महंगाई को लेकर क्यों सड़कों पे नहीं उतरे आप? हम महंगाई पे भी सड़क पर उतरे, हम बिल्कुल उतर रहे हैं। हम हर हमेशा हमारे हर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है सब कुछ, आंदोलन कर रहे हैं हम। बिल्कुल सरकार को पार्लियामेंट में हमने कहा कि आप डिबेट करा लीजिए महंगाई में, क्या सरकार ने डिबेट कराई? सरकार तैयार है क्या सुनने के लिए? सरकार तो हिटलर साई में चल रही है, सरकार तो दादागिरी में चल रही है। आप ये बताइए कि क्या जरूरत हो रही है आपको ये सब बिल लाने की? क्या देश की जनता कह रही थी ये बिल आज कल जब हिंदुस्तान के व्यक्ति को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस क्या कहती थी? ले आए आप नागरिकता बिल, लाए हमने कहा, हमने कहा ठीक है अपनी बात कही है हमने, हम अपनी बात में अपनी जगह पर हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पर अपनी जगह है। लेकिन ये किसकी नागरिकता तय करना चाहते हैं? क्या नागरिकता के लिए प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? क्या आपको चिंता अपने यहाँ के लोगों की नहीं है? आपको इस देश की बेरोजगारी की चिंता नहीं है? इस देश में महंगाई की चिंता नहीं है? इस देश में जो भूख से व्यक्ति मर रहा उसकी चिंता नहीं है? इस देश का पीडीएस सिस्टम आप अभी जानकारी ले लीजिए, का आपका बड़ा चैनल है, इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या पीडीएफ कहाँ चला गया बताइए? आज मिट्टी तेल गायब बाजार से हो गया, जो चीनी 14 रुपए किलो मिलती थी आप 45 रुपए किलो खरीद रहे हो, गेहूं आपका नहीं मिल रहा है, चावल आपका नहीं मिल रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? अब वो जो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जिससे जनता तड़फ रही है उससे भटकाने के लिए आप सांप्रदायिक माहौल खराब कर दीजिए देश का।
वो करने की बात आप कर रहे हैं, बाकी आपके पास। लेकिन उस मामले में तो उस मामले में देश के गृह मंत्री जवाब दे चुके हैं साहब। उसमें बीजेपी का भी तर्क यही है और बाकायदा संसद में अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने ये जवाब दिया है कि भारतीय मुसलमानों को किसी भी प्रकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है, उन्होंने बाकायदा एक हवाला दिया है जो उस दौर में पाकिस्तान रह गए थे, उन अल्पसंख्यक, अगर वो अल्पसंख्यक कभी भी भारत आना चाहें प्रताड़ना के चलते या किसी भी और कारण से, तो भारत की जिम्मेदारी है कि उन्हें सुरक्षा भी दे, उन्हें रोजगार भी दे और उन्हें भारत में निवास भी दे। आपका संविधान, आपका संविधान अधिकार देता है कि अगर अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है, अगर वो हिंदुस्तान आना चाहता है तो निश्चित रूप से नागरिकता मिलेगी। कौन मना कर रहा है उसमें? ये कौन नई चीज ले आए कि आप उसको नागरिकता, आप नागरिकता संशोधन बिल लाके, आप एनआरसी लागू करके आप उसको नागरिकता दे दोगे क्या? आप बाकी लोगों का, आपको तो जो आम आदमी, यही सुरेश जोशी जी हैं, कल इन्हीं को अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र सिद्ध करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो जवाब उस पर नहीं लेंगे। जी ने कह दिया कि जवाब ले लेते हैं, वही नहीं अभी मथुरा दत्त साहब जवाब ले लेते हैं, फिर मैं मेरे राजनीतिक विश्लेषकों के पास जाऊंगा। एक बार जवाब ले लेते हैं सुरेश जोशी जी का, क्या नहीं कहा मथुरा दत्त जी चाहता हूँ, मथुरा दत्त जी एक बार जवाब ले लेते हैं सुरेश जोशी जी का, उसके बाद मैं मेरे राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। मथुरा दत्त जी, उनकी अपनी बात है, मथुरा दत्त जी एक बार जवाब ले लेते हैं सुरेश जोशी जी का। राकेश जी, जी जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के ऑन द रिकॉर्ड देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि एनआरसी जो लागू देश में होगा, हम देश में एनआरसी लागू करेंगे, लेकिन एनआरसी का कोई ड्राफ्ट, कोई बिल, कोई अभी विषय ऐसा नहीं है कि जो न तो बना है और न वो अभी उसको हम जो है कि कहीं उसको लागू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, कल बहुत स्पष्ट तौर पर रामलीला मैदान से देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि इस देश के मुसलमानों को जो हिंदुस्तान के में जो पैदा हुए हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसकी हिंदुस्तान की नागरिकता है, वो मुसलमान और वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। और एनआरसी का अभी तक देश के अंदर कोई सेंटर ही नहीं बना हुआ है जिस सेंटर में जाकर के कहीं कोई जांच हो रही हो, कोई अधिकारी को अधिकार दिया गया हो। तो ये अगर देश में अफवाह फैलाकर और देश को जो है कि एक जलाने की कोशिश कौन कर रहा है? सोनिया गांधी जी कर रही है, प्रियंका जी कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। तो आज तो देखो देश में जो है कि एक तरह से जो तनाव का माहौल है, जो देश को जो है कि जलाने का काम हो रहा है, देश को बर्बाद करने का काम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि चंद वोटों के लिए। और उन, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो गरीब और असहाय मुसलमान भाई लोग हैं, उनको जो है कि इकट्ठा कर करके, जिनको जानकारी नहीं है, गलत तरीके से उनके मनु में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, इस काम को कौन कर रहा है? भैया सोनिया जी कर रही है या बीजेपी कर रही है? चलिए शायद जोशी साहब हम ट्रैक चेंज कर चुके हैं। हम कुल मिलाकर के बात कर रहे थे उस जनाधार की, उस भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नक्शे की, लेकिन कहीं ना कहीं एनआरसी तमाम मुद्दे, क्योंकि आपस में कोरिलेट मुद्दे हैं, तो जाहिर सी बात उनमें जिक्र होना ही था। मैं मेरे अवधेश भार्गव साहब के पास आना चाहूँगा, राजनीतिक विश्लेषक है भार्गव साहब, कांग्रेस के मित्र हैं मथुरा दत्त जोशी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुरेश जोशी साहब। कुल मिलाकर के स्थितियाँ जो हैं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम मुद्दे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव परिणाम, और मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाहूँगा, बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो क्या बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस होने के चलते उनसे दूरी बना रहे हैं, या यूं माना जाए कि राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे केवल बीजेपी बैठी हुई है? वरना स्थानीय मुद्दों में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं, अगर मैं राजस्थान का जिक्र इस जगह करूंगा, अभी निकाय चुनाव हाल ही में हुए हैं और वहां पर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा 370 और राम मंदिर को लेकर के तमाम बातें कही और स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम उलट हुए। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं समझ पा रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर किन मुद्दों पर बात करनी होगी, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका अपना घोषणा पत्र होता है, अपना एजेंडा होता है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, राष्ट्रीय एजेंडा जो है वो राष्ट्रहित में बहुत अच्छा है, लेकिन राज्यों में वो लागू नहीं होता है। आप बताइए, राम मंदिर तो बनना ही था, ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी था, लेकिन इससे क्या हमें पेट्रोल की महंगाई में राहत मिलेगी हमारी जनता को? मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल है। जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल यहाँ सरकार रही तो केंद्र का टैक्स अलग और राज्य का टैक्स सबसे ज्यादा पूरे देश में। तो क्या ये नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का उनको
ऐसा इंस्पेक्शन नहीं दे सकता था और 15 साल तक। और आप देखें ये मुद्दे जो महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं, यहाँ आरक्षण पर कोर्ट का फैसला आ गया था, उस पर भी इन्होंने यही किया, इनके मुख्यमंत्री वहां सुप्रीम कोर्ट चले गए, आज बिना प्रमोशन के लोग रिटायर हो गए। तो ये सब नाराजगियां ऐसे ही झारखंड में आप भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए, आपने उनके स्थानीय मुद्दे नहीं रखे, आपने नेशनलाइट्स से उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा ठोस एजेंडा नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के आप स्थानीय मुद्दों में, स्थानीय चुनाव में आप राष्ट्रीय मुद्दे लेकर के चुनाव लड़ेंगे, आप राम मंदिर का मुद्दा लाएंगे, आप 370 का मुद्दा लाएंगे, तो इससे तो आपको वोट नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि आम आदमी ये देखता है कि उसकी रोजमर्रा की जरूरतें सरकार पूरी करेगी या नहीं करेगी, सरकार उस पर अपना रुख स्पष्ट करे। दूसरी बात, जोशी जी हैं, जोशी जी का बहुत सम्मान है, आदर है, जोशी जी से मैं अच्छी तरह परिचित भी हूँ जोशी जी से, तो मेरा ये निवेदन है कि आपकी सेकेंड लाइन कहाँ है, आपकी सेकेंड लाइन कहाँ है, जो अटल जी और अडवाणी जी के समय सेकेंड लाइन हुआ करती थी, जो आज सत्ता में काबिज है या आज फ्रंट लाइन पर है, तो आज आपकी सेकेंड लाइन कहाँ है? कहीं ना कहीं मुरली मनोहर जोशी समय तमाम वो लोग हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं सेकेंड लीड किया करते थे। हाँ हाँ, वो नहीं है, मैं आदरणीय जोशी जी से ये प्रश्न कर रहा हूँ, आप आज राज्यों में अपने अध्यक्ष नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, आप कांग्रेस को उंगली करते हैं, कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं, ये परिवारवाद चलाते हैं। आपने क्या किया, आपने अपने नेताओं को, पुत्रों को टिकट दिया, आप किसी भी प्रदेश में देखें तो आप कुछ जनता इसलिए आप पर थोड़ा भरोसा राष्ट्र के मामले में करती है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, और पढ़े लिखे लोग जो इंटेलेक्चुअल फेलोस हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आम आदमी अपने बात पर इस पर कायम रहे कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो उसी तरह बरकरार रहेगा। सबसे पहले पार्टी में सुधार की यही जरूरत है कि आप सेकेंड लाइन को आगे लाइए, आप कर्मठ कार्यकर्ताओं को महत्व दीजिए, आप छोड़ दीजिए उन तांगे में जुटे घोड़ों को जो तांगा ही तोड़कर खा जाते हैं। तो जोशी जी कुल मिलाकर डिफरेंस करना पड़ेगा केंद्रीय राजनीति में और राज्यों की राजनीति में, किस तरीके के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और राज्यों के चुनाव में कम से कम राज्य के स्थानीय मुद्दे जरूर रखे जाए, क्षेत्रीय मुद्दे जरूर रखे जाए, वो असर डालता है जनता पर। चलिए, कहीं दिलीप यशवर्धन साहब, दिलीप यशवर्धन साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। दिलीप यशवर्धन साहब आ रही है आवाज। यशवर्धन साहब, अवधेश भार्गव साहब को भी आपने सुना, सुरेश जोशी जी को भी आपने सुना और मथुरादत्त जोशी साहब को भी आपने सुना। कुल मिलाकर के राजनीतिक दावपेच के बीच में तमाम चीजें हैं, NRC भी आ गया है, कैब भी आ गया है, राम मंदिर 370 भी आ गए हैं, तमाम चीजें आ गई हैं। लेकिन जिस तरीके से अवधेश भार्गव साहब ने एक जिक्र किया है कि सेकेंड लाइन जो कहीं ना कहीं बीजेपी में खासतौर पर इस समय गौर करने वाली जो बात है, केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर दो चेहरे अमूमन याद किए जाते हैं और उन्हीं पर बात की जाती है और कहीं ना कहीं राज्यों तक उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते हैं, लेकिन वो सेकंड लीड अभी तक तैयार नहीं हो पाई जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद में कहीं ना कहीं मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम वो नेता हुआ करते थे जो राज्यों के संबंधित इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, या यूं कहा जाए कि राज्यों से संबंधित चुनावों में किस प्रकार के मुद्दों पर बात करनी है। क्या बीजेपी में वो चीजें नहीं हो पा रही है, या यूं कहा जाए कि उन केंद्रीय मुद्दों पर ही लगातार ध्यान देने के चलते राज्यों में क्या मुद्दे हैं वो स्थानीय कार्यकारिणी से या स्थानीय पदाधिकारियों से वो सहमति नहीं बन पा रही है या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इसमें सब कुछ केंद्रीय है, केंद्र में ही सरकार है और जो नेतृत्व है वो भी केंद्र में ही है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जो भी चीजें फ्लो कर रही है वो ऊपर से ही फ्लो कर रही है, वो चाहे आदरणीय मोदी जी डिसाइड कर रहे हो, चाहे शाह जी कर रहे हो, चाहे ये दोनों लोग मिल करके कर रहे हो, लेकिन चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है जी। और ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रूल है जो कहीं ना कहीं राजनीति में भी लागू होता है कि जब तक आप चीजों को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप पावर्स का डेलीगेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फिक्स करेंगे, उनको पावर्स नहीं देंगे, तब तक चीजों का एक्सपेंशन हो पाना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं वो चीजें स्टक हो जाती हैं जाकर। और जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो केंद्रीय मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहा है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। उसका फायदा शायद जनता को आज नहीं नजर आएगा, लेकिन आने वाले समय में इन चीजों का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन बात घूम करके वहीं पर आती कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरी आम जरूरतें हैं, अगर मेरी आम जरूरतों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो मैं केंद्रीय मुद्दों को शायद उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा। एक बार
मंदिर नहीं बनता तो मुझे दुख जरूर होता कि भाई मंदिर सरकार ने कहा था नहीं बनवा पाई, लेकिन अगर मेरी रोटी मेरी जेब मेरा पेट भर रहा है, मेरा परिवार ठीक चल रहा है और मैं शहर और गांव में सुरक्षित घूम रहा हूं, तो मैं शायद इस शिकायत को थोड़े दिन बाद भूल जाऊंगा। मंदिर बन जाने से मुझे जरूर खुशी है, बनना भी चाहिए था और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी था जो खत्म होता नजर आ रहा है। और जो अभी सुरेश मथुरा ज्योति साहब कह रहे थे, मथुरा ज्योति साहब जिन बातों को कह रहे थे, ये सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस के जमाने में भी रहे हैं, मुद्दे कुछ नए नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बड़े मुद्दों को कहा था कि हम इन पर काम करेंगे, 370 की बात कर लीजिए चाहे राम मंदिर की बात कर लीजिए, वो बातों को पूरा किया है। और ये एक अच्छा संकेत है कि हम, क्योंकि ये एक बड़े ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जिनको पब्लिक ये मान चुकी थी कि ये मुद्दे अब खत्म नहीं होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इनको खत्म करना नहीं चाहती थी क्योंकि इन्हीं से राजनीति भड़कती थी, उन्हीं से वोट बैंक इकट्ठा होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सब चीजों पर कहीं ना कहीं आदमी का मुंह बंद कर दिया कि नहीं, हमने ये मैनिफेस्टो में कहा था और हमने कर दिखाया, और ये देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यशवर्धन साहब, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी निकल कर के आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल बीजेपी को छोड़ दीजिए सत्ता में है, जिस तरीके से मथुरा दत्त जोशी साहब से भी बात हो रही थी और सुरेश जोशी साहब से भी बात हो रही थी, आप सीएबी की बात कर लीजिए या किसी और मुद्दे की बात कर लीजिए, जिस तरीके से सीएबी में जनसैलाब उमड़ा या विपक्ष पूरा एकजुट होकर के जिस तरीके से वहाँ पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लें तो ममता दीदी पूरी तरह से एक्टिव हैं, राजस्थान का जिक्र करें तो कल शांति मार्च मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में निकाला गया, केवल राजनीतिक कारणों से ये मार्च निकल रहे हैं, कभी क्या विपक्ष ने ये कोशिश की कि महंगाई के मुद्दे पर इस प्रकार जनसमर्थन लेकर के कोई मार्च निकाला जाए? क्या बेरोजगारी? जी राकेश जी, मैंने पहले भी कहा था कि ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, राजस्थान, ममता दीदी, जितने भी लोग हैं, ये लोग एक ही बात की दुहाई दे रहे हैं कि ये संवैधानिक असमानता है। मैं इन सबसे एक ही सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर सीएबी संवैधानिक असमानता है तो ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो क्या है? वो तो फिर असमानता की पराकाष्ठा हो जाएगी फिर तो, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान का प्रीएम्बल कहता है कि हम भारत के लोग अपने आप को समानता का अधिकार देना चाहते हैं, इक्वालिटी का अधिकार देना चाहते हैं, वो कहाँ मिल रहा है? रिजर्वेशन से समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में एससी एसटी का कानून अलग है, एससी एसटी को कानून में प्रिविलेज दी गई, तो समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? तो ये विपक्ष इन मुद्दों पर कभी बाहर क्यों नहीं आता जो वाकई में देश हित के मुद्दे हैं? आज आप रिजर्वेशन को खत्म करा दीजिए इस देश से, तो देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए जाति आधार नहीं होती है, दिमाग आधार होता है। 40% पाने वाला देश की तरक्की नहीं करेगा, 90% पाने वाला इस देश की तरक्की करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि 40% वाला रूल कर रहा और 90% वाला रिजर्वेशन की वजह से किनारे बैठ जाता है। लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है ना, इस पर ना बीजेपी कुछ बोलती है, ना कांग्रेस, ना तमाम विपक्ष, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राकेश जी, ये जो वाकई में संवैधानिक असमानताएं हैं, इस पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं जाता है क्योंकि ये वोट बैंक है। लेकिन संवैधानिक असमानता, आप एक जिक्र और करिए फिर उस जगह पर, अगर केंद्र से, सर्वोच्च सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पारित होता है और वहां से राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और उसके बाद में बिल बनता है, और राज्यों के मुख्यमंत्री अगर ये बात बोलते हैं कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, तो आम जनता को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने या केंद्र सरकार ने या उस सदन ने जहां पर तमाम दलों के प्रतिनिधि हैं, वहां से मेजोरिटी के साथ में बिल पारित होकर के आता है, ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम कई नेता ये बात बोलते हैं हम वहां पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, तो ये इसे किस रूप में देखा जाएगा? ये मैं कहता हूँ कि ये जो लोग संविधान की बात करते हैं, मैं गारंटी करता हूँ उसमें से 98% लोगों ने संविधान का प्रीएम्बल भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। संविधान तो छोड़ दीजिए, संविधान नाम सुन लिया है, संविधान ये कहता है, संविधान वो नहीं कहता। मैं 10 में से 10 आदमी से सवाल पूछता हूँ कि संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, तो वो बता नहीं पाता है। 9 आदमी जवाब नहीं दे पाते हैं इन बातों का। जब संविधान की दुहाई देते हैं, अरे संविधान की दुहाई अगर आप देते हैं तो बहुत सारी असमानताएं इस देश के अंदर हैं, जिन पर अगर आप सड़क पे आ जाएं तो शायद आम जनता भी आपके साथ सड़क पे आ जाए, लेकिन आप ना आम जनता के लिए आते हैं और ना आम जनता आपके साथ आती है। चलिए यशवर्धन साहब, लौट करके आऊंगा आपके पास। मेरे साथ इंजीनियर अजय यादव साहब जुड़े, राष्ट्रीय महासचिव है हम पार्टी बिहार से। अजय यादव साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज इंडिया पर, और सबसे बड़ी बात यह जो बहस का मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य मुद्दा है, यही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार और दूसरी बार जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन राज्यों में जिस तरीके से जनाधार कम होता जा रहा है और झारखंड का परिणाम आज आ रहा है,
हालांकि पूरी तरह से आधिकारिक घोषणा भी होना बाकी है, जिस तरीके से रुझान और तमाम चीज़ें बातें कही जा रही है, लेकिन कुछ जिक्र खासतौर पर हिंदी पट्टी का, जिसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है और छत्तीसगढ़ भी है, और उसके अलावा अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तो जो ग्राफ था भारतीय जनता पार्टी का, एक दौर था जब 21 राज्यों में सरकार आपकी थी और कुल मिलाकर के कोई भी निर्णय आप अगर केंद्र से लागू करते थे तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसे सही साबित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते थे, लेकिन वो स्थितियां कमजोर होती जा रही है, क्या कहां कमी मानते हैं आप, या राजनीतिक परिदृश्य अब देश का बदलने लगा है, किस तरीके से देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिये ये जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है देश की, ये जन जन आकांक्षाओं पर नहीं उतर रही है, ये बेरोजगारी के पर कोई बेरोजगारी के सवाल पर कोई बात नहीं करती है, महंगाई के सवाल पर कोई बात नहीं करती है, सब जो बेसिक मुद्दे हैं इस मुद्दे पर अब देश में चुनाव हो रहे हैं। अब उनका जो पुराना था जिसमें राम मंदिर और कॉमन सिविल कोर्ट और तीन तलाक, ये सब मुद्दे गौण हो गए, ये सब राजनीतिक मुद्दे थे, उन मुद्दों पर अब देश के जो नौजवान हैं, देश के जो गरीब लोग हैं, देश के जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मत दिया है। और आप देख लीजिए 2019 के चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, हरियाणा तक में, महाराष्ट्र देख लीजिए आप, झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ देख, लेकिन महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी उभरी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है, बड़ी पार्टी उभरना ये दूसरी बात है, क्योंकि बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपना काम और कार्यक्रम चला रहे हैं। देख लीजिए आप, अभी सीएबी का जो विरोध हो रहा है, सीएए का विरोध हो रहा है, आप देख लीजिए तरह के मुद्दे जो जन जन जनमानस के मन से उतरा हुआ है। नहीं, जनमानस मत बोलिए आप उसको राजनीतिक, देखिए सब लोग जान रहे हैं यादव साहब, अजय यादव साहब, इसे एक प्रकार से किस तरीके से राजनीतिक अमली जामा पहनाया गया ये किसी से छुपा नहीं है। दिलीप यशवर्धन साहब शायद मेरी बात से सहमत होंगे, अवधेश भार्गव साहब मेरी बात से सहमत होंगे, किस तरीके से सीएबी को राजनीतिक अमली जामा पहनाया गया और किस तरीके से सड़कों पर लोगों को उतारा गया, ये सब जानते हैं कि उस भीड़ में किसी को पता तक नहीं है। ये सारे स्वतः स्फूर्त लोग उतरे हैं, इसको कोई राजनीतिक दल ने हवा नहीं दिया है, ये पूरा का पूरा स्वतः स्फूर्त उतरे हुए लोग हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान सब हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमान केवल उतरे हैं। आप देख लीजिए जेएनयू से लेकर के आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सबके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। चलिए सुरेश जोशी साहब से जवाब ले लेते हैं एक बार। सुरेश जोशी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोशी साहब सुन पा रहे हैं? राकेश जी, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि अभी देखो एनआरसी तो लागू नहीं हुआ और एनआरसी का कोई विषय भी नहीं आया, पहली बात। अब आज जो ये सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये सीएए के लिए उतरे हैं, ये उतरे हैं सीएए के कानून के लिए जो पार्लियामेंट से पास हुआ है। अब आप ये बताइए कि भाई ये कह रहे हैं स्वफूर्त आंदोलन है और इसमें हिंदू भी उतरे हैं, इसमें मुसलमान भी उतरे हैं, भारत की नागरिकता 2014 से पहले जो भारत में रह रहे हैं और जो अल्पसंख्यक हैं तीन देशों में, ये तो गांधी जी ने भी कहा था जिस समय देश आजाद हुआ कि अगर वहां के अल्पसंख्यकों को कोई तकलीफ वहां पर होती है तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, बाबू के शब्द थे। ये तो आज के अगर लोगों को नहीं आज उनको भारत की नागरिकता मिल रही है, जहाँ भी अत्याचार हो रहा है। यादव साहब जवाब लेने दीजिए एक बार, यादव साहब मैं लौट के आऊंगा, एक बार सुरेश जोशी जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ जोशी साहब, नहीं राकेश जी, अगर आज वहाँ के लोगों को इस देश में जो वहाँ प्रताड़ित हैं, आप देखिए कि भाई देखो आपके डाटा बोल रहे हैं कि 23% जब हिंदू आजादी के समय वहाँ थे तो आज वो 3-2% रह गए। आखिर भाई देश में जो है कि हमने अगर इस देश को सेक्युलरिज्म में ले गए तो यहाँ तो कोई मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की या किसी की संख्या घटी नहीं है, यहाँ तो बड़ी है संख्या। तो अगर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां वहां पर हुई हैं तो वहां के उन नागरिकों को जो प्रताड़ित हैं, जिनके साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, अगर उनको हम आज नागरिकता देने की बात करते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि देश के न हिंदुओं को कोई परेशानी है, न देश के मुसलमानों को परेशानी है। इसमें परेशानी सिर्फ
उन राजनीतिक दल के लोगों को है कि जो सत्ता से बाहर हैं और जो इस मुद्दे को हवा दे करके एक वर्ग विशेष का वोट अर्जित करना चाहते हैं, और वो बेचारे जो हमारे भाई लोग हैं जिनको इसकी बहुत जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी बात अभी दिलीप जी कह रहे थे कि भाई संविधान का की कॉपी की ए और बी भी लोगों को पता नहीं है और बार बार उस संविधान का हवाला दे करके इस तरह की बातें करते हैं। जोशी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप 370 की बात हो, आप तीन तलाक की बात हो, जब जब ये बिल चर्चाओं में आए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा ये चीजें की गई और उसके बाद में जो बीजेपी की राज्य इकाइयां थी उन सबको इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए कि आप आम जनता के बीच में जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए ताकि लोगों को जानकारी मिले कि 370 क्यों हटाई गई है, तीन तलाक का नुकसान क्या है, तमाम चीजें। लेकिन आखिर जब आपको ये लगता है कि सीएए को लेकर के अफवाहें फैलाई गई हैं या फैली हैं, तो आखिर आपकी राज्य इकाइयों ने इतनी देरी कैसे कर दी, या केंद्र से इंस्ट्रक्शंस मिलने में देरी हुई कि आम जनता के बीच में जाकर के उन चीजों को स्पष्ट करें कि भारतीय मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है, ये बिल इसलिए लाया गया है तीन देशों के शरणार्थियों को, अल्पसंख्यक शरणार्थियों को हिंदुस्तान में लाने के लिए, नागरिकता देने के लिए बिल है, वो देरी क्यों हो गई? नहीं राकेश जी, ये कोई देरी नहीं हुई। देखो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं कि जब पार्लियामेंट में बिल आया था और उस समय जो मित्र इसका विरोध कर रहे थे, जो इसके विरोध में बोल रहे थे, उनको देश के गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि भाई बिल का ये प्रारूप है और बिल इस तरह से आएगा। तो उसको देखो, जो सबसे बड़ा काम इन्होंने चालाकी से किया, देश को जो मैं एक तरह से मैं कह रहा हूँ अराजकता फैलाने का जो काम किया, वो बहुत चालाकी से किया, एनआरसी और सीएए दोनों को मिलाया, उन दोनों बिलों को मिलाया और उसमें जो है सीएए को पीछे छोड़ दिया, एनआरसी को आगे कर दिया और देश की जनता को ये दिग्भ्रमित किया कि भाई इस देश में एनआरसी लागू हो गई है। और जब एनआरसी लागू होगी, मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बहुत सीनियर एडवोकेट के बयान सुन रहा था दो तीन दिन पहले, वो बयान में क्या बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अब इस देश में जो है एनआरसी लागू हो गई है, एनआरसी का मतलब ये है कि भाई आपको साबित करना पड़ेगा आप हिंदुस्तानी हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बोल रहे थे कि जो कोई भी नहीं दे सकता, और उसके बाद वो आगे बोल रहे थे कि इसमें 95% लोग, नहीं मैं पूरी बात मेरी होने दीजिए, 95% ऐसे देशवासी होंगे जो इससे बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद वो आगे, उससे भी वो आगे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि संविधान की धारा 55 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो जिसको चाहेंगे उसको ओके कर देंगे, जिसको चाहेंगे उसका वोटिंग राइट्स खत्म कर देंगे। अब इस तरह की बहस अगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में होती है और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील करते हैं, तो आखिर जनता जो बिचारी कुल मिलाकर के सही जानकारी के अभाव सुरेश जोशी साहब, सही जानकारी के अभाव में तमाम चीजों पर माना जा सकता है। आप सभी लोगों के पास आऊंगा, समय की सीमा है, आपसे एक फाइनल कॉमेंट आप सबसे एक एक लाइन में लेना चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी अब चुनावी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक नक्शा खासतौर पर 21 राज्यों से सिमट करके नीचे आ जाना और अब 2019 का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिलीप यशवर्धन साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट आपका एक लाइन में, क्या भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बदलने की आवश्यकता है? थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत है और आम जनता के हित के काम करने की जरूरत है। अवधेश भार्गव साहब, मुद्दे बहुत अच्छे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो अपने नीचे की लाइन के कार्यकर्ता, जो अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता है, जो अपना घर बार सर सुहा करके पार्टी की सेवा करता है, उसको आगे लाने की आवश्यकता है, उसको तवज्जो देने की जरूरत है, पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। इंजीनियर अजय यादव साहब, आपसे भी फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जी, हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एनआरसी लागू करना चाहिए और सीएए को पूरा लागू करना चाहिए, तब उनको पता चल जाएगा देश के मानचित्र से भारतीय जनता पार्टी उखड़ने जा रही है, आपको मैं बता देता हूँ। चलिए शुक्रिया सुरेश जोशी साहब, क्या लगता है, जिस तरीके से फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप अपनी सेवाएं देते हैं, क्या कहेंगे? राकेश जी, देखिए ऐसा है कि भाई हम लोग तो जो है कि नित्य काम करने वाले लोग हैं संगठनात्मक प्रक्रियाओं में, जैसे आप बार बार एक बात को कह रहे हैं कि राज्यों में लीडरशिप कमजोर है, ना राज्यों में कमजोर है, ना केंद्र में कमजोर है, ना हमारी बूथ स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक सब कुछ मजबूत है, लेकिन हम समय समय पर समीक्षाएं करते रहते हैं। आगे भी जो ये विषय आए हैं, निश्चित तौर पर इस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा करेगा और देश की जनता हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ रहेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं, जिस बात पर हम लगातार बहस कर रहे थे, जिस पर मुद्दा आज का बरकरार रखा था कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी जो 21 राज्यों में सरकारों का दावा किया करती थी और सरकारें थी, उसका राजनीतिक नक्शा बदलने लगा है। 2019 के बाद से क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में कई राज्यों में स्थानीय चुनाव भी होने हैं और खासतौर पर कई राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाले हैं, खासतौर पर यूपी में भी चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। हालांकि चुनाव में समय है, लेकिन चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है तो क्या उस हिंदी पट्टी के राज्यों में और खासतौर पर पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी को बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या अपनी पावर पीएम मोदी और अमित शाह को डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है ताकि उन राज्यों के लोगों को पार्टी का घोषणा पत्र या पार्टी का संकल्प पत्र या पार्टी का मैसेज आम लोगों तक पहुंचा सके और आम लोग जो कहीं पार्टी से लगातार दूर होते जा रहे हैं उनके साथ जुड़ सके? अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।